हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिलों के बारे में। दोस्तों रिसेंटली दोस्तों एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर जो बातें बताई गई हैं दोस्तों बिलों की रिकॉर्डिंग, वो सारी बातें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आपने वो मीटिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। शॉर्टली फॉर्म में आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एक बुरी खबर कह सकते हैं या अच्छी खबर कह सकते हैं कि इनका जो बिलव नेटवर्क है, वो ऐप है, बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इसमें अपने बिलव टोकन को विड्रॉल्स नहीं किया है दोस्तों, यानी कि आपने अभी तक अपने बिलव टोकन को विड्रॉल नहीं किया है, तो आपके पास में सिर्फ 30 मई तक का समय है दोस्तों। 30 मई तक आप अपने बिलव टोकन को यहाँ से विड्रॉल करके अपने वॉलेट में रख ले या मेटामास्क पे रख ले। अन्यथा अगर आप यहाँ पे विड्रॉल्स नहीं लोगे तो ये बिलव टोकन 30 मई के बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो दोस्तों, 30 मई है आपके पास में, 30 मई तक आपको यहाँ पे विड्रॉल करना है। लास्ट की मीटिंग में साफ साफ उमर खान ओनर की तरफ से ये बता दिया गया है कि 30 मई तक आपको ये बिलव टोकन विड्रॉल करके रख लेना है, अन्यथा ये सब कुछ है जो कि बर्न हो जाएगा। और 1 जून और 4 जून के बीच में बिलव नेटवर्क पूरी तरीके से, इनका जो ऐप है पूरी तरीके से चेंजेबल आएगा। हो सकता है कि बिलव कोई ना जाए और पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज आएगा। और इस समय भी दोस्तों एक्सचेंज जोन पे इनका है जो कि ट्रेडिंग चल रहा है बिलव का, तो वहाँ पे आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अभी भी है जो कि पेमेंट गैस फी, या तो आप BFIC में ले सकते हो या आप USDP में ले सकते हो। अगर आपके पास में दोस्तों USDP है तो बिल्कुल आप USDP में आपका जो भी गैस फीस है वो यहाँ पे लगेगा 1% के हिसाब से, और BFIC है तो BFIC भी दोस्तों यहाँ पे 1% के हिसाब से लगेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों पहले उमर खान ने कहा था कि जो भी विंडोज नहीं लेना चाहता 1% पेमेंट फीस के अकॉर्डिंग, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों बिलव की बर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और जिनके भी वॉलेट्स में बिलव पड़े हैं अगर वो विड्रॉल नहीं लेंगे तो उनको सबको बर्न कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, और इसकी मैं बात करता हूँ, ये पूरी तरीके से आपका ये जो ऐप है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने इस ऐप के ID एंड पासवर्ड और इसकी प्राइवेट की है दोस्तों संभाल के रखें। सबसे पहले उनका दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उन स्क्रीनशॉट को लेने के बाद में उनको संभाल के रखें दोस्तों, क्योंकि इनका 30 मई के बाद में पूरा मॉडिफिकेशन होकर अपडेट आएगा, और अपडेट के बाद में दोस्तों आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, इनका एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम के चैनल पे जो अपडेट्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इनके है जो कि अपडेट्स यहाँ पे आई हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलव नेटवर्क में विड्रॉल लगाना बाकी है जिन लोगों का, तो विड्रॉल नहीं लगाया तो वो विड्रॉल लगा ले। विड्रॉल लगाने की आखिरी तारीख दोस्तों यहाँ पे 30 मई है, 30 मई के बाद में विड्रॉल नहीं लगेगा। ये जितनी भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी के बाद आपको ये बात पहुंचानी है। और दोस्तों, जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो कि बातें हुई हैं, जो इनका GOAT AI है दोस्तों, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो मंडे से ओपन हो जाएगा, और 5 दिनों तक है जो कि वो ओपन रहेगा। GOAT AI के लिए जो भी कैंडिडेट शुल्क रहेगा इनका, वो $200 का रहेगा दोस्तों। और GOAT AI पहले 50,000 लोगों को ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करेगा। तो GOAT AI पे दोस्तों सबसे पहले 50,000 लोग है वही यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे दोस्तों। और इसका जो बीटा वर्जन है वो भी जल्दी लाइव हो जाएगा। और बिलव की निकासी की अंतिम तिथि 5 जून है, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बिलव नेटवर्क ऐप में 30 मई को बहुत बड़े चेंजेस होंगे, और जो लास्ट डेट है दोस्तों 5 जून है। लेकिन दोस्तों, आप जो ऐप है उस ऐप से पहले ही 30 मई यानी कि 30 मई तक आप अपना विड्रॉल्स कंप्लीट कर लें दोस्तों। बिल है जो कि एक्सचेंज जोन पर आप बेच सकते हो, बाई कर सकते हो, बिल्कुल इसकी ट्रेडिंग है जो कि पूरी तरीके से लाइव है दोस्तों। और BFIC GOAT AI में जो पेमेंट गेटवे होगा दोस्तों, वो BFIC होगा, यानी कि GOAT AI के लिए भुगतान गेटवे दोस्तों यहाँ पे BFIC होगा दोस्तों। सो दोस्तों, 5 जून तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख से पहले पहले आप यहाँ पे निकाल लो। और दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एक्सचेंज जोन पे, और एक्सचेंज जोन पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिलव टोकन किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोस्तों बिलव, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिलव की जो प्राइस इस समय चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 100.0131 USDT से, यानी कि इस रेट से दोस्तों आप यहाँ पे खरीद सकते हो। लेकिन आपको जो सेल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 0.0122, यानी कि
1 रुपये और 25 पैसे के आसपास दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 रुपये 25 पैसे के आसपास आपको यहाँ पे सेल आउट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग है जो कि स्टार्ट हो चुकी है बिलो नेटवर्क की, और बिलो नेटवर्क की ट्रेडिंग है जो कि यहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों अपना बिलो टोकन है जो कि दोस्तों आप विड्रॉल करके और उसको यहाँ पे आप आसानी से बेच सकते हो दोस्तों। लास्ट मीटिंग में दोस्तों यही बताया गया था कि जल्दी से जल्दी आप है जो कि अपने बिलो नेटवर्क ऐप से विड्रॉल कर ले, अन्यथा दोस्तों आपके बिलो टोकन को वहाँ से बर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो में आपको है जो कि रिसेंटली मीटिंग के बारे में आपको बताया गया, 1 घंटे की मीटिंग के बारे में आपको शॉर्टली फॉर्म में 3-4 मिनट में आपको समझा दिया गया है कि मीटिंग के अंदर कौन सी बातें हुई, कौन सी बातें बताई गई है। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।